यूपी के हमीरपुर जिले में महिला सुरक्षा नाम पर पोल खुलती जा रही है। जिले में छात्रा के साथ दरिंदगी के साथ अब महिला जज के साथ वकील द्वारा छेड़खानी का मामला सामने आया है। दरअसल मामला सदर मुख्यालय के जिला जजी का है, जहां जूनियर डिवीजन की महिला सिविल जज ने वकील हारून पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया है कि वकील हारून उनके साथ छेड़खानी करते हैं और उनका पीछा करते हैं। जब वो अपनी जज की कुर्सी पर बैठती हैं तो उनके पीछे से देखते हैं, साथ ही अकेले पाकर उनसे बेफजूल बातें करते हैं, जिससे परेशान होकर उन्होंने पुलिस को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं पुलिस ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए मामला दर्ज कर लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए, जो हमारे स्थानीय जुडिशल अधिकारी है उनके द्वारा एक अभियोग पंजीकृत कराया गया है और इसमें आरोप लगाया गया है कि एक वकील जो है उनको लगातार घूर रहा है और उनका पीछा कर रहा है। जब वो टहलने भी जा रहे हैं तब भी उनका पीछा कर रहा है। उनकी एप्लीकेशन प्राप्त होने पर तत्काल जो है अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं और इसमें जो है वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि महिला जज द्वारा वकील के खिलाफ तहरीर देने के बाद हरकत में आई पुलिस ने आनंद फानंद में मुकदमा दर्ज कर लिया। इसी आधार पर सुसंगत धाराओं में वकील के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। जांच के आधार पर वकील के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए हमीरपुर से रविंद्र सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।